120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, सुपर एमोलेड पैनल, 5000 mAh बैटरी विद 33 वॉट चार्जिंग, 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप, और दोस्तों यहां पर आपको गेमिंग के लिए प्रोसेसर काफी अच्छे मिलने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 4 ऑल राउंडर स्मार्टफोन्स अंडर 12,000। आज की इस वीडियो को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम यहां पर कुछ अलग तरीके के स्मार्टफोन बताने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। साथ ही में दोस्तों हम यहां पर सभी स्मार्टफोन के प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करते हुए चलेंगे, जिससे आप समझ सकेंगे कि आपको कौन से स्मार्टफोन के साथ में जाना चाहिए। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जितनी जोर से हो सके उतनी जोर से दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि आज की इस वीडियो में हमने यहां पर सभी स्मार्टफोन को परफॉर्मेंस के हिसाब से रैंक किया हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 4 से। और इस पोजिशन पर हमने रखा है एक नॉन चाइनीज ऑप्शन, जो कि आपको यहाँ पर ऑलराउंडर मिलता है दोस्तों। जी हाँ गाइस, ये फोन है सैमसंग का गैलेक्सी F22। ये जानते हैं कि इस फोन के अंदर आपको क्या कुछ दिया गया है। पहले बात कर लेते हैं फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो फोन आपको यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, लेकिन TUV रिनलैंड सर्टिफाइड है, तो बिल्ड क्वालिटी से आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आती है। बाकी रही दोस्तों डिजाइन की बात, तो वो अपना अपना टेस्ट होता है। स्मार्टफोन का डिजाइन आपको कैसा मिलता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी रही फोन के कुछ अदर फीचर्स की बात, तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, 3.5 mm का जैक दिया गया है। फोन के अंदर आपको सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर मिल जाते हैं। और हाँ गाइज, ये फोन आता है ट्रिपल कार्ड ऑप्शन के साथ में, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G SIM और 1 memory card लगा सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और ये फोन आता है वन ऑफ द बेस्ट यूजर इंटरफेस के साथ में, जहाँ पर आपको मिल जाता है सैमसंग का One UI 3.1। और दोस्तों ये बेस्ड है एंड्रॉइड 11 पर। हालांकि दोस्तों यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 11 मिलता है, लेकिन मई महीने के आसपास में आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 12 का अपडेट भी देखने को मिल जाएगा। फोन का दोस्तों सॉफ्टवेयर काफी अच्छा है, आपको यहाँ पर यूजर इंटरफेस में कोई शिकायत नहीं आती। चलिए अब जान लेते हैं फोन के बाकी फीचर्स के बारे में। दोस्तों ये फोन आता है 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड पैनल के साथ में, लेकिन आपको यहाँ पर HD+ की रिजोल्यूशन मिल जाती है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, और आपको यहाँ पर मैक्सिमम 600 नीट्स की ब्राइटनेस दी गई है। तो डिस्प्ले दोस्तों अच्छी है, हालांकि फुल HD+ होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। रही बात गेमिंग की, तो आपको यहाँ पर 90 Hz की रिफ्रेश रेट और 180 Hz की टच सैम्पलिंग रेट भी मिल जाती है। ओवरऑल देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो डिस्प्ले मिल रही है वो दोस्तों काफ़ी अच्छी है। आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे कलर्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस होता है, तो ओवरऑल डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती। रही बात दोस्तों फोन के कैमरास की, तो इस फोन के बैक में लगे हुए हैं 4 कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा आपको मिल जाता है 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर दिया गया है। सामने की तरफ आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, और ओवरऑल कैमरा सेटअप तो फोन का अच्छा दिया ही गया है। साथ में आपको यहाँ पर कैमरा परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाती है, डे लाइट में आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आती। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आपको यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है 30 FPS तक फ्रंट और बैक कैमरा से। कैमरा मॉड्यूल आपको यहां पर अच्छा मिल जाता है। फोन की परफॉर्मेंस की बात करें, तो यहां पर आपको दिया गया है मीडियाटेक हीलियो G80 का चिपसेट, जो कि आपको यहां पर डिसेंट टाइप की गेमिंग करा सकता है, डिसेंट टाइप की परफॉर्मेंस आपको यहां पर मिल जाती है। 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना हुआ चिपसेट है, तो आपको यहाँ पर हीटिंग वगैरह की शिकायतें थोड़ी मोड़ी रहती हैं, लेकिन दोस्तों ओवरऑल फोन की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। तो डे टू टास्क मल्टीटास्किंग आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं, और गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर लगभग 2 लाख के आसपास के अंततः स्कोर मिल जाते हैं, जिसका मतलब साफ है दोस्तों कि आपको यहाँ पर डिसेंट टाइप की गेमिंग परफॉर्मेंस भी मिल जाती है। इन सभी के अलावा फोन के बैक साइड में लगा हुआ है 6000 mAh का बैटरा, जो कि आपको यहाँ पर 1 से 1.5 दिन का बैकअप काफी आराम से दे देता है। साथ ही में ये स्मार्टफोन 15 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 15 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, चार्जिंग के लिए Type-C वाली पोर्ट दी गई है। बैकअप के हिसाब से आपको यहाँ पर बैटरी मॉडल भी अच्छा मिल जाता है। रही बात फोन के प्रोस की, तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी और सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और कॉन्स की बात कर ले, तो यहाँ पर आपको नॉर्मल HD+ वाली डिस्प्ले दी गई है, जबकि Full HD+ होता तो और ज़्यादा बेहतर होता। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको नॉर्मल टाइप की गेमिंग परफॉर्मेंस मिलती है। सो अगर आप यहाँ पर एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के अलावा बाकी सब कुछ अच्छा मिल जाए, तो आप इस स्मार्टफोन को एक बार ज़रूर देख सकते हैं। 4GB RAM, 64GB इनबिल्ट मेमोरी के लिए वैसे तो आपको देने पड़ते हैं 12,999 रुपये, लेकिन अभी ये फ़ोन मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 11,999 रुपये की प्राइस पर। सो अगर आप चाहें तो इस डील को ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर कंटेंट वगैरह वॉच करने के साथ साथ
ऑडियो एक्सपीरियंस भी अच्छा हो। तो दोस्तों उसके लिए हमने यहाँ पर रखा है नंबर 3 की पोजीशन पर Redmi की तरफ से आने वाला Redmi का Note 11। पहले बात कर लेते हैं फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो ये फोन आपको यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, हालांकि TUV निलनेस सर्टिफाइड है तो बिल्ड क्वालिटी से आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आती है। और हाँ गाइज, ये स्मार्टफोन हल्का फुल्का वाटरप्रूफ है, जो कि इस स्मार्टफोन का एक और एडवांटेज है। रही बात डिजाइन की, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। डिजाइन आपको यहाँ पर बिल्कुल भी Redmi Note 10 की तरह मिल जाएगा, लेकिन डिजाइन देखा जाए तो काफी अच्छा दिया गया है। फोन की कुछ अदर फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमें साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, 3.5mm का जैक मिल जाता है। फोन के अंदर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, तो ऑडियो भी आपको अच्छी और लाउड मिल जाती है। रही बात कार्ड स्लॉट की, तो दोस्तों ये फोन आता है ट्रिपल कार्ड ऑप्शन के साथ में, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और ये स्मार्टफोन रन करता है Android 11 बेस MIUI 13 पर, जो कि दोस्तों काफी बग फ्री हो चुका है, तो आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाती है। हालांकि ये लेटेस्ट स्मार्टफोन है तो यहाँ पर हमें Android 12 मिलना चाहिए था, जबकि दोस्तों स्मार्टफोन को Android 11 के साथ में लॉन्च किया गया है, जो कि इस स्मार्टफोन का एक डिसएडवांटेज है। तो दोस्तों अब समय हो चुका है कि हम बात कर ले इस स्मार्टफोन के बाकी फीचर्स के बारे में। इस फोन में आपको दी गई है 6.43 इंचेस की फुल HD+ वाली AMOLED की पैनल, जहां पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, और मैक्सिमम आपको यहां पर 1000 नीट्स की ब्राइटनेस भी दी गई है। तो देखा जाए तो फोन का जो डिस्प्ले वो तो काफी अच्छा मिल जाता है। गेमिंग के लिए भी आपको यहां पर 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट दी गई है। तो भाई डिस्प्ले आपको यहां पर काफी अच्छी दी गई है, डिस्प्ले में आपको कहीं से भी कोई शिकायत नहीं आती। तो भाई इसके सामने की तो हमने बात कर ली, अब इस फोन के बैक की बात कर ले तो फोन के बैक साइड में लगे हुए हैं 4 कैमरा, जहां पर मेन कैमरा आपको दिया गया 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। और सामने की तरफ सेल्फी के लिए 13 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी स्नैपर दिया गया है। तो देखा जाए तो कैमरा सेटअप फोन का अच्छा दिया गया है और इमेजेस भी काफी अच्छी मिल जाती हैं, डे लाइट में आपको यहां पर कोई भी शिकायत नहीं आती। अगर आप यहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपको यहां पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है फ्रंट और बैक कैमरा से 30fps तक। तो अगर आपको यहां पर वीडियो बनाने का ही शौक है तो दोस्तों मेरे हिसाब से स्मार्टफोन को आपको स्किप करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं फोन की परफॉर्मेंस के बारे में। तो ये फोन आता है Qualcomm Snapdragon 680 के 4G चिपसेट के साथ में। जी हां दोस्तों, ये एक 4G चिपसेट है और 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना हुआ है। तो आपको यहां पर परफॉर्मेंस तो उतनी अच्छी नहीं मिलती है, लेकिन डे टू डे यूजर्स के लिए आपको यहां पर कोई शिकायत नहीं आती है। आप यहां पर मल्टीटास्किंग वगैरह भी आसानी से कर सकेंगे। रही बात गेमिंग की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको यहां पर डिसेंट लेवल की गेमिंग करा सकता है। अगर हम इस चिपसेट को कंपेयर करें तो आप इसे Qualcomm Snapdragon 665 और 662 से कंपेयर कर सकते हैं, जो कि एक डिसेंट टाइप के प्रोसेसर थे, तो ऐसा ही प्रोसेसर ये भी आपको मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस आपको फोन के अंदर डिसेंट मिलती है। और फोन के अंदर लगी हुई है UFS 2.2 की स्टोरेज, जिसकी मदद से आपको यहाँ पर रीड और राइट की स्पीड भी फास्ट मिलती है और एप्स लोडिंग टाइम भी आपको यहाँ पर फास्ट मिल जाता है। और भाई इन सभी को पावर देने के लिए फोन के बैक साइड में लगी हुई है 5000mAh की बैटरी। अगर आप यहाँ पर एक नॉर्मल यूजर हैं तो आपको यहाँ पर 1 से 1.25 दिन का बैकअप काफी आराम से मिलता है। और रही बात फास्ट चार्जिंग की, तो फोन यहाँ पर 33W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 33W का चार्जर बॉक्स के अंदर दिया गया, जो कि काफी अच्छी बात है, और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। तो फोन का बैटरी मॉड्यूल आपको यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के प्रोस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्प्ले काफी अच्छी मिल रही है, डिजाइन भी अच्छा दिया गया है, बैटरी लाइफ भी फोन की काफी अच्छी मिल जाती है, और स्टीरियो स्पीकर्स फोन के अंदर काफी लाउड दिए गए हैं, तो वहां पर आपको शिकायत नहीं आने वाली। लेकिन अगर कॉन्स की बात करें तो आपको यहाँ पर डिजाइन पुराना वाला ही दिया गया, हालांकि अच्छा है। और दोस्तों ये स्मार्टफोन Android 11 पर लॉन्च किया गया, जबकि स्मार्टफोन को Android 12 पर लॉन्च किया जाना चाहिए था। साथ ही में दोस्तों इस प्राइस पर हमें काफी तगड़े चिपसेट मिल जाते हैं गेमिंग के लिए, लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर हमें एक डिसेंट टाइप का प्रोसेसर मिलता है। तो ये स्मार्टफोन सिर्फ उन यूजर्स के लिए जो कि मल्टीमीडिया के लिए एक अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं और जिन्हें यहाँ पर डिसेंट टाइप की परफॉर्मेंस चाहिए, तो वो यहाँ पर स्मार्टफोन को जरूर से एक बार देख सकते हैं। 4GB RAM 64GB इनबिल्ट मेमोरी के लिए वैसे तो आपको देने पड़ते थे 13,500 रुपए, लेकिन अभी ये फोन मिल रहा है आपको 13,000 रुपए की प्राइस पर। और अगर आपने यहाँ पर HDFC बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड से स्मार्टफोन को परचेस किया तो 1,000 रुपए का आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके बाद आप स्मार्टफोन को सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपए की प्राइस पर चेकआउट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपके मन में ये सवाल खटक रहा है कि बड़ी डिस्प्ले होनी चाहिए, हाई रिफ्रेश रेट होना चाहिए, बड़ी रैम होनी चाहिए और गेमिंग प्रोसेसर होना चाहिए, तो दोस्तों आप अगला स्मार्टफोन यहाँ पर देख सकते हैं। ये स्मार्टफोन है यहाँ पर Infinix की तरफ से आने वाला Infinix का Note 11S।
ये फोन आता है यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड पर, लेकिन आपको यहाँ पर TUV रिनलैंड सर्टिफाइड मिल जाएगा, तो बिल्ड क्वालिटी से आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और डिजाइन भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा यूनिक मिल जाता है, हो सकता है कि आपको पसंद आए, हो सकता है कि ना भी पसंद आए, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर ले तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक और ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। और हाँ दोस्तों, ये फोन आता है ट्रिपल कार्ड ऑप्शन के साथ में, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G SIM और 1 memory card लगा सकते हैं। लेकिन इस स्मार्टफोन का एक मेजर ड्रॉबैक है कि ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉइड 11 बेस्ड XOS 10 पर, जहाँ पर आपको ब्लॉटवेयर ऐप और एड्स वगैरह मिलते हैं, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस 50-50 मिलती है। तो बेसिक फीचर्स को यहीं पर छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं फोन के मेन फीचर्स के बारे में। तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको ऑलमोस्ट 7 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, जहां पर आपको फुल एचडी प्लस का रिजोल्यूशन और IPS LCD पैनल दी गई है। साथ ही में आपको यहां पर NEG डिनोलेक्स का प्रोटेक्शन मिल जाता है और डिस्प्ले के अंदर आपको यहां पर 500 नीट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। गेमिंग की बात कर ले तो आपको यहां पर 120Hz की रिफ्रेश रेट और 180Hz की आपको यहां पर टच सैम्पलिंग रेट दी गई है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी आपको यहाँ पर काफी अच्छी दी गई है, डिस्प्ले के मामले में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती। कैमरास की बात कर ले तो फोन के बैक साइड में लगे हुए हैं 3 कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा आपको दिया गया 50 मेगापिक्सल का, 2 का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिल जाता है। सामने की तरफ पंच होल कटआउट के साथ में आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का डिसेंट है और इमेज क्वालिटी आपको यहाँ पर अबो एवरेज मिलती है। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे फ्रंट कैमरा से 30fps तक, और बैक कैमरा से आप यहाँ पर 2K रिजोल्यूशन तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फुल HD के ऊपर वाली रिकॉर्डिंग होती है, तो वो आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिल जाती है। और इस फोन को शक्ति प्रदान करने के लिए फोन के अंदर लगा हुआ है MediaTek Helio G96 का चिपसेट। वैसे देखा जाए तो काफी कैपेबल चिपसेट है, परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी निकाल कर देता है, लेकिन 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, तो हल्की फुल्की हीटिंग की प्रॉब्लम आपको यहाँ पर आती है और बैटरी आपको यहाँ पर डिसेंट मिलती है। डे टू डे यूजेस और गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर लगभग 3.5 लाख के आसपास के अंततः स्कोर मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छे स्कोर है। परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है, और इस फोन के अंदर UFS 2.2 की स्टोरेज भी लगी हुई है, जो कि आपको यहाँ पर रीड और राइट की स्पीड तो फास्ट देता ही है, साथ में आपको यहाँ पर एप्स लोडिंग टाइम भी फास्ट मिल जाता है। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पर एक नॉर्मल यूजर हैं, तो फोन के बैक साइड में 5000mAh की बैटरी आपको मिलती है, जो कि आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप भी काफी आराम से देती है। साथ ही में ये फोन यहाँ पर 33W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 33W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, चार्जिंग के लिए Type-C वाली पोर्ट दी गई, तो फोन का बैटरी मॉड्यूल आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। फोन के प्रोस की बात करें तो आपको यहाँ पर डिजाइन, परफॉर्मेंस और स्टीरियो स्पीकर के साथ में आपको यहाँ पर अच्छी खासी फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। कॉन्स की बात करें तो आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस और कैमरा परफॉर्मेंस उतनी बेहतर नहीं मिलती। तो दोस्तों, अगर आपको स्मार्टफोन के एडवांटेजेस पसंद आए, तो आप स्मार्टफोन को एक बार जरूर कंसीडर कर सकते हैं। 6GB तक की रैम और 64GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में ये स्मार्टफोन नॉर्मली मिलता है 14,000 रुपए की प्राइस पर, लेकिन अभी ये फोन मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ 12,500 रुपए की प्राइस पर। तो दोस्तों यार, इस डील को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, अभी के अभी जाकर के इस डील को आप चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर हम बात करें इस लिस्ट के वन ऑफ द बेस्ट फोन के बारे में, तो दोस्तों ये फोन है यहाँ पर रेडमी का Note 10S। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो फोन आपको यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलता है, लेकिन दोस्तों TUV रिनलैंड सर्टिफाइड है और हल्का फुल्का पानी यहाँ पर झेल सकता है, तो ये अच्छी बात है। और रही बात डिजाइन की, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिजाइन आपको कैसा मिलता है। और फोन के कुछ अदर फीचर्स की बात कर ले तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, 3.5mm का जैक दिया गया है, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ ही में ये फोन यहाँ पर ट्रिपल कार्ड को सपोर्ट करता है, जिसका मतलब कि आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G SIM और 1 memory card लगा सकते हैं। रही बात फोन के यूजर इंटरफेस की, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, ये फोन थोड़ा सा पुराना हो चुका है। ये आता है यहाँ पर एंड्रॉइड 11 बेस MIUI 12.5 पर, लेकिन दोस्तों इसके लिए MIUI 13 का जो अपडेट है वो भी रोल आउट होना शुरू हो चुका है, तो बहुत जल्द आपको ये अपडेट मिल जाएगा। और देखा जाए तो सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस फोन में आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है, तो यहाँ पर भी आपको कोई खास शिकायत देखने को नहीं मिलती। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फोन के मेन फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों, ये फोन आता है 6.43 इंचेस की फुल HD प्लस वाली सुपर एमोलेड पैनल के साथ में, जहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है और 1100 नीट्स की आपको यहां पर मैक्सिमम ब्राइटनेस मिल जाती है, तो आउटडोर में भी फोन इस्तेमाल करने में आपको यहां पर कोई शिकायत नहीं आती है। गेमिंग की बात कर ले तो यहां पर आपको स्टैंडर्ड 60Hz की रिफ्रेश रेट और 120Hz की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है, तो थोड़ा सा पुराना है जिस वजह से आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल दोस्तों डिस्प्ले की क्वालिटी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिलती है।
चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास के बारे में। तो फोन के बैक साइड में लगे हुए हैं चार कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर दिया गया है। सामने की बात कर लें तो सामने आपको यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर मिल जाता है। सो भाई यहाँ पर आपको कैमरा सेटअप भी अच्छा मिल जाता है और फोन के कैमरास परफॉर्म भी अच्छे करते हैं, तो आपको यहाँ पर इमेज क्वालिटी में कोई शिकायत नहीं आती है। इवन दोस्तों आप यहाँ पर लो लाइट में भी थोड़ी अच्छी इमेजेस क्लिक कर सकते हैं। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे फ्रंट कैमरा से 30fps तक, और बैक कैमरा से आपको यहाँ पर अल्ट्रा एचडी तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा 30fps तक, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और इन सभी को यहाँ पर शक्ति प्रदान करने के लिए दोस्तों फोन के अंदर लगा हुआ है मीडियाटेक हीलियो G95 का चिपसेट। दोस्तों ये चिपसेट बना हुआ है 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर, तो अगर आप यहाँ पर हैवी टास्क या फिर हैवी गेमिंग करते हैं तो उस वक्त आपको यहाँ पर हल्की फुल्की हीटिंग की शिकायत देखने को मिलती है। और रही बात दोस्तों परफॉर्मेंस की, तो डे टू डे यूजेस में तो आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आती है। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये एक ओवरक्लॉक सीपीयू है, तो आपको यहाँ पर 60fps तक की गेमिंग करा सकता है। अंततः स्कोर की बात करें तो लगभग आपको यहाँ पर 3.25 लाख के आसपास के अंततः स्कोर मिल जाते हैं, और इस परफॉर्मेंस को और भी इन्हेंस करने के लिए UFS 2.2 वाली आपको यहाँ पर स्टोरेज भी मिल जाती है, जिससे दोस्तों आपको यहाँ पर रीड और राइट की स्पीड तो फास्ट मिलती ही है और एप्स लोडिंग टाइम भी आपको यहाँ पर फास्ट मिल जाता है। तो भाई देखा जाए तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में फ़ोन काफ़ी अच्छा है। वहीं पर अगर फ़ोन के पावर हाउस की बात कर लें तो फ़ोन के बैक साइड में लगी हुई है 5000mAh की बैटरी, जो कि आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप काफ़ी आराम से देती है। साथ ही में आपको यहाँ पर 33W की चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, 33W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। तो फ़ोन का बैटरी मॉड्यूल भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिया गया है। तो दोस्तों अब समय हो चुका है फ़ोन के प्रोस का, तो यहाँ पर आपको डिज़ाइन काफ़ी अच्छा मिल रहा है, डिस्प्ले भी फ़ोन की ज़बरदस्त है, साथ ही में आपको यहाँ पर लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ, कैपेबल कैमरास और परफॉर्मेंस, ये सभी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन अगर फ़ोन के कुछ कॉन्स की बात करें तो ब्लॉटवेयर ऐप और एड आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट आपको यहाँ पर दिया गया है। तो देखेंगे दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन एक कम्प्लीट पैकेज है, अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। 6GB रैम, 64GB इनबिल्ट मेमोरी के लिए अभी आपको देने होंगे सिर्फ और सिर्फ 12,999 रुपये। अपने बैंक ऑफर लगा दिए तो ये फ़ोन आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपये की प्राइस पर। तो देखा जाए यार तो काफ़ी धमाकेदार फ़ोन है, चाहे तो आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों सभी स्मार्टफोन्स के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो आप लोगों को इनमें से कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों, उम्मीद है यार कि वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़ोर से दबाइएगा ताकि मुझे भी सुनाई दे। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।